हेलो बच्चों, तो ये हमारी एवेंजर्स सीरीज की अगली प्रॉब्लम है। बहुत ही अच्छी प्रॉब्लम है और लास्ट स्लाइड में मैंने आपको प्रॉब्लम दी थी करने के लिए। ठीक, इसमें कूलम्स लॉ के अलावा न्यूटन्स लॉ और काइनेमेटिक्स का भी कॉन्सेप्ट यूज़ हो रहा है। ठीक, क्या बोला गया था कि दो चार्जेस हैं क्यू वन क्यू टू, इनके मास हैं एम वन एम टू, दोनों चार्ज पॉजिटिव हैं, उनको एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा गया है। ठीक, और रख के हमने छोड़ दिया, रिलीज्ड। ऑब्वियस सी बात है, ये अंडरस्टूड होगा कि रिलीज फ्रॉम रेस्ट होना चाहिए। ठीक, इनको हमने दोनों चार्जेस को रिलीज फ्रॉम रेस्ट किया, क्यू वन और क्यू टू चार्जेस को, इनके मास एम वन एम टू है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में। ताकि क्या हो रहा है, इनके बीच में सेपरेशन रिमेन्स अनचेंज, इनकी दूरी चेंज नहीं हो रही है। ठीक, तो उनकी दूरी कितनी होगी? अब किसी भी चार्ज के ऊपर, अगर उसका हम बनाए फ्री बॉडी डायग्राम, किसी भी चार्ज के ऊपर एक तो लग रहा होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्यू टू ई, ठीक, जो इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रही होगी। उसके अलावा इन दोनों चार्जेस का कूलम फोर्स भी लग रहा होगा, इसके ऊपर मान लेते हैं एफ ई फोर्स लग रहा होगा। ठीक, तो अगर हम पहले क्यू टू की बात करें, फॉर क्यू टू जिसका मास एम टू है, कितना हो जाएगा नेट फोर्स? क्यू टू ई वैक्टर प्लस एफ ई वैक्टर, ठीक, बराबर कितना होना चाहिए? एम टू ए टू होना चाहिए। ठीक, न्यूटन्स लॉ से। और फॉर क्यू वन, क्यू वन के ऊपर कितना फोर्स लग रहा होगा? क्यू वन के ऊपर फोर्स लग रहा होगा, एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स लगा रही होगी एफ ई, और ये कितना फोर्स लग रहा होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना इसके ऊपर लगेगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इसके ऊपर लगेगा माइनस एफ ई वेक्टर। क्यों? न्यूटन्स थर्ड लॉ से। तो अगर आपने इसको एफ ई वेक्टर बोला है, आप क्या बोलोगे उसको? आप बोलोगे इसको माइनस एफ ई वेक्टर। इसके ऊपर जो नेट फोर्स लगेगा क्यू वन के ऊपर, वो क्यू वन ई तो लगेगा ही लगेगा, माइनस एफ ई वेक्टर लगेगा, बराबर कितना होना चाहिए? एम वन ए वन होना चाहिए। अब अगर दोनों पार्टिकल्स रेस्ट से स्टार्ट हो रहे हैं, तो उनकी दूरी चेंज किस कंडीशन में नहीं होगी? जब दोनों की वेलोसिटी क्या होगी, किसी भी समय बराबर होगी, ठीक, तभी क्या होगी, उनकी दूरी चेंज नहीं होगी टाइम के साथ में। उनकी वेलोसिटी बराबर कब होगी? जब ए वन बराबर ए टू हो। क्या करना है आपको यहाँ पे? हमें ए वन वैक्टर को ए टू वैक्टर के बराबर कर देना है बस। तो क्या हो जाएगा, उनकी दूरी चेंज नहीं होगी। अब क्या किया जाए, पहली वाली इक्वेशन को एम वन से मल्टीप्लाई कर दिया जाए, दूसरी वाली इक्वेशन को एम टू से मल्टीप्लाई कर दिया जाए, ठीक, ताकि इन दोनों को हम बराबर कर पाएं। तो क्या मिल जाएगा हम लोग को? एम वन क्यू टू ई प्लस एम वन एफ ई बराबर एम टू क्यू वन ई माइनस एम टू एफ ई। ठीक, एंड दस ई वाले वेक्टर एक साथ सब ले आए, क्या मिल जाएगा हम लोग को? एम वन क्यू टू माइनस एम टू क्यू वन ई वेक्टर बराबर एम वन प्लस एम टू एफ ई वेक्टर। एम वन क्यू टू एम टू क्यू वन सब क्या है? स्केलर है। तो यहां से एक बात क्लियर है, ऑब्वियस सी बात है कि अगर ऐसा होना है कि दोनों के एक्सेलरेशन बराबर हो जाएं, एफ ई वेक्टर मस्ट बी पैरेलल टू ई वेक्टर या एंटी पैरेलल टू ई वेक्टर ऑल्सो, तभी ऐसा पॉसिबल हो पाएगा ना इस इक्वेशन से। मतलब चार्ज ऐसे नहीं रखा जो हमने बोला है, चार्ज का ओरिएंटेशन क्यू वन क्यू टू का ओरिएंटेशन कुछ ऐसा होना चाहिए, तभी ऐसा हो पाएगा। यहाँ पे क्यू वन रख दिया जाए, यहाँ पे क्यू टू रख दिया जाए, ठीक, ताकि इनके बीच में लगने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एफ ई और एफ ई क्या हो, इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल या एंटी पैरेलल हो जाए। ठीक,
अब उस इलेक्ट्रिक फील्ड का उस सेपरेशन की वैल्यू भी हमें फाइंड करनी है, कोई दिक्कत की बात नहीं। इसी क्वेश्चन में m1 q2 माइनस m2 q1 इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर m1 प्लस m2 और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना होगा, के q1 q2 अपॉन l स्क्वायर होगा। तो यहाँ से वी कैन सॉल्व फॉर l, ठीक, सॉल्व फॉर l है ना, हमें वो दूरी मिल जाएगी जिस दूरी पे उनकी सेपरेशन अगर छोड़ दिया जाए कभी भी चेंज नहीं होगी, ठीक। ओके, डूइंग दिस लेट अस सॉल्व दिस प्रॉब्लम। अगली स्लाइड में इस प्रॉब्लम को करेंगे, इसको अपने आप ट्राई कीजिए, बहुत ही अच्छी प्रॉब्लम है, ठीक, पाथ फाइंडर की प्रॉब्लम है। बोला गया है नेटवर्क शोन इन द फिगर कंसिस्ट ऑफ ए बैटरी एंड 5 अननोन रजिस्टर, ठीक, एक बैटरी है और 5 अननोन रजिस्टर, ठीक। व्हेन आइडियल एमीटर इज कनेक्टेड बिटवीन टर्मिनल्स ए एंड बी इट्स रीडिंग इज 4 एम्पियर, इसमें अगर हमने जोड़ दिया एक एमीटर कितनी रीडिंग आ गई इसकी, 4 एम्पियर रीडिंग आ गई, ठीक है भाई। एंड व्हेन ए रेजिस्टेंस ऑफ 3 ओम इज कनेक्टेड इन सीरीज विद एमीटर इट्स रीडिंग बिकम्स 2 एम्पियर, इसी में अगर हमने एक और 3 ओम रेजिस्टेंस जोड़ दिया कितनी होगी रीडिंग, 2 एम्पियर हो गई। तो 4 एम्पियर का क्या हो गया, 4 एम्पियर से 2 एम्पियर रीडिंग कम हो गई इसकी, ठीक। नाउ द एमीटर एंड रजिस्टर आर डिसकनेक्टेड एंड द आइडियल वोल्ट मीटर इज कनेक्टेड बिटवीन टर्मिनल्स ए एंड बी, वॉट वुड बी द वोल्ट मीटर, वॉट वुड द वोल्ट मीटर रीड। अब अगर इसमें क्या किया, इस एम मीटर और वोल्ट मीटर को हटा दिया, इस एम मीटर को हटा दिया 3 ओम रेजिस्टेंस के साथ में, इसमें जोड़ दिया एक क्या, आइडियल वोल्ट मीटर, ठीक। तो उस वोल्ट मीटर की रीडिंग क्या होगी, इंटरेस्टिंगली ना हमें बैटरी का दे रखा है ईएमएफ, ना हमें इन रेजिस्टेंस की वैल्यू दे रखी है, ठीक। बोला हुआ है कि इनको जोड़ने पे 4 एम्पीयर करंट जा रही है शॉर्ट करने पे, अगर साथ में 3 ओम रेजिस्टेंस और लगा दें तो करंट कितनी जा रही है, 2 ओम जा रही है। तो पूछा जा रहा है कि अगर इसमें एक वोल्ट मीटर लगा दिया जाए तो उसकी कितनी रीडिंग होगी, ठीक, करके आइएगा, बहुत ही अच्छा सवाल है। नेक्स्ट अगली स्लाइड में हम लोग इसको करेंगे डिस्कस, ठीक।